हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हुकुमर सिंह। हम लोग सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं सोकर अभी भी जस्ट टूटी हुई हूँ। आप लोगों को मेरे फेस पे दिख ही रहा होगा कि मैं सोकर अभी भी उठी हुई हूँ। हम लोग ना गंगा जी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो सोचा कि मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हम लोग अभी अभी सभी लोग सोकर उठे हुए हैं और बहुत जल्दी हम लोग निकलने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ एंड मैं पी रही हूँ गर्म पानी, जिससे कि सुबह सुबह का जो है ना गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है। मैं तो मेरी सुबह इसी एक ग्लास गर्म पानी से होती है। आप लोग भी सब लोग गर्म पानी पिया करिए। मैं इस समय छत पे टहल रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम सुबह सुबह का मौसम जो होता है वो वैसे भी अच्छा लगता है, और अब तो विंटर आने वाला है तो आप समझ सकते हो कि हल्की हल्की सी ठंड पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरी दीदी ने अभी छत पे मतलब क्या क्या लगाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, ये पेड़ लगाया हुआ है आंवले का, फिर ये सली का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, ये हरजूल है जिसके पैरों में दर्द हो जाता है ना, तो इसको लगाने से ना उनका पैर सही हो जाता है। एंड ये केले का पेड़ है, ये है मनी प्लांट, चमेली, गुड़हल, और वो छोटा सा पेड़ गुलाब का पेड़, ये है गुड़हल का, ये सारे गुलाब हैं, ये सब है। ये लगा हुआ है, ये देखिए मिर्च का पेड़ लगा हुआ है, ये भी मिर्च का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी पत्ती है मार का पेड़ हुआ, ये देखिए एक और लगा हुआ है, ये भी है काफ़ी सुंदर है, और देखिए लुक एट दिस ब्यूटीफुल फूल, देखिए कितने ही सुंदर लग रहा है। देखिए तो खुद से बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई हैं इसमें, मतलब दो पेड़ हैं, एक पिंक फ्लावर का है, एक येलो फ्लावर का है, काफ़ी सुंदर पेड़ है। तो मेरी दीदी को ना पेड़ वेड़ लगाने का बहुत शौक है, इस वजह से ऐसा हुआ ना कि मेरी दीदी के पैर में थोड़ा सा चोट लग गई थी, वो ना अभी ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं लगा पा रही है, वरना वो पेड़ वेड़ की बहुत शौकीन है, तो पेड़ काफ़ी लगाती है। बस हम लोग थोड़ी देर के बाद निकलने वाले हैं। मैंने कहा अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ बातें शेयर कर लेती हूँ कि हम लोग बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में गंगा जी के लिए। तैयारी हो गई है, जीजा जी अपने बेटे को छोड़ने गए हैं, तो आज उसके बाद बस जस्ट हम लोग निकलने वाले हैं। मैं वहाँ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी सुबह सुबह का जो माहौल है वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है, ठंड मतलब ठंड तो हल्की सी हो ही रही है, तो पानी में देखो कितना मज़ा आता है। मैं तो भाई बहुत नहाने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं, आइए तब तक के लिए बाय।
तो हम लोग फाइनली नहा चुके हैं, गंगा जी की पूजा करने जा रहे हैं।
तो हम लोगों की फाइनली पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम लोग वापस अपने कार के पास जा रहे हैं, तो देखते हैं हनुमान जी की मंदिर जाते हैं या नहीं जाते। फिर उसके बाद काफी वो कानपुर तक पूरा डेढ़ घंटा लेट उसके बाद ये है हमारी सिस्टर, इनसे मिलिए। तो ये मेरी सिस्टर है, थर्ड नंबर की सिस्टर है ये मेरी। और हम लोग अब निकलने वाले हैं, बस देखते हैं गणेश जी के मंदिर के पास हम लोग जाते कि नहीं जाते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोगों को निकलना भी है। तो अगर हम जाएंगे तो वहाँ का भी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। और अब हम लोग घर घर के लिए अपना निकल रहे हैं, तो बस कार के पास हम लोग जा रहे हैं। तो ये मेरे जीजा जी Yeah.